हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने चैनल सांगवान स्टूडियो में। आज की वीडियो किस चीज के ऊपर है? आज की वीडियो है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की, जो 5 घंटे की इतनी बड़ी वीडियो बना के मुझे 8 साल पहले वीडियोग्राफर्स ने, जो हमने वेडिंग के टाइम पे हायर किया था, उसने दी थी। उसको 5 घंटे की वीडियो को मैंने छोटा सा कंप्रेस करके 22 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों से कल मैंने क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि हाँ 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 हमें वीडियो चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। भाई मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेंबर समझता हूं, क्योंकि ये जो पर्सनल मोमेंट्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मैं शेयर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को भी अपना फैमिली मेंबर समझता हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें भाई बहुत मजा आने वाला है आपको। मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि भाई जैसे हरियाणवी वेडिंग का आपको पता लगेगा, देसी वेडिंग कैसी होती है वो पता लगेगा, और इसमें क्या है, हरियाणवी वेडिंग में क्या होता है कि भाई काफी सारे गेम्स होते हैं शादी के बाद, तो इसमें बहुत तरह के गेम्स हैं। मतलब अगर कहीं पे भी आपको ये लगे ना कि थोड़ी सी वीडियो आपको बोरिंग लग रही है, मेक श्योर स्किप कर दो, 30 सेकंड आगे चले जाओ, आपको फिर दोबारा से वो इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एंड तक जरूर देखना, पूरी की पूरी वीडियो देखना, मजा आने वाला है आपको, बहुत मस्त। और हाँ, इस वीडियो में मैंने रोस्ट भी किया है। रोस्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा फनी मजाक में, क्योंकि जब 8 साल पहले जो वीडियोस बनती थी वो थोड़ी डिफरेंट वे में बनती थी, आजकल जो बनती है सिनेमेटिक वे में बनती है, तो आजकल जब आप देखोगे उसको थोड़ी हंसी आती है, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसमें फन डालने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना, चाहे 1 लाइन में कमेंट करना, चाहे 2 में करना, चाहे 10 लाइन में कमेंट करना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलो एंजॉय करो इस वीडियो को और बताना मुझे कि कैसी लगी। चलो होती है भाई वीडियो की शुरुआत। तो दो कबूतर यहाँ मिलने में लगे हुए हैं, देख लो भाई आपस में लड़ रहे हैं, चोंच मार रहे हैं, और ये भाई फूल पत्तियां दिखनी शुरू होगी। ये सूरज निकल गया, ओ हो, सूरज में सोनिया की फोटो, और अब ये चांद आ गया और चांद में भी सोनिया की फोटो। तो भाई पहले तो ये एडिटिंग होती थी भाई, 8 साल पहले मेरी शादी की जो वीडियो है ये है, उसमें इस तरह की एडिटिंग करी हुई है, फूल पत्तियां, झरने, समुंदर, कभी ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आजकल भी इस तरह की एडिटिंग होती है क्या, कि अब जब देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी फनी लग रही है, लेकिन उस टाइम में भाई ये टॉप होती थी। तो ये है भाई मेरे दादाजी। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और भाई मेरा गांव का नाम है झोझूकला, अगर किसी को नहीं पता तो। तो जैसे कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देसी देखने को मिलेंगी, जैसे कि देसी शादी कह लो आप, हरियाणवी शादी है जो आप देखने को मिल रही हो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि भाई हरियाणा में किस तरह से शादी होती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि भाई मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ हूँ और मैं देसी बंदा हूँ, चाहे मैं यूके में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरा देसी रखता हूँ। और इस शादी में भी आप देख के आपको अंदाजा हो जाएगा, ये भी कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा ये लड़का यूके से कहीं आया हुआ है, कहीं ऐसा कुछ मैंने करा ही नहीं कुछ अलग हटके। तो और बिल्कुल जो नॉर्मल जो देसी शादी होती है उस तरह की पूरी मेंटेन करके रखी है। तो ये जो आप अभी आप देख रहे हो ये सारी भाई लगन है, तो जो भाई टिक्का होता है या लगन कहते हो वो सेरेमनी चल रही है, तो उसके बाद जो है भाई बारात जाएगी। तो अब ये देखो ये सोनिया का भाई है भाई, छोटा भाई, तो ये कड़ा फंस गया था, पहना दिया। तो ये मेरे दादाजी भाई, मेरे दादाजी अभी रिसेंटली फरवरी, ये मेरे फादर है भाई, ये मेरा भाई जो अभी यूके में है, आप काफी वीडियोस में देखते होंगे, ये रोहित बैठा, ये मेरे दादी। अब यहाँ देखो फोटोग्राफर ने सोनिया की फोटो मेरे फेस पे क्यों लगाई, मुझे खुद नहीं समझ में आया लॉजिक। तो भाई अभी आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं अपने दादाजी का ले रहा हूँ, मैं फादर का लिया, इधर भी मेरे जो दादाजी बैठे थे, ये मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो आए हुए हैं। तो भाई चलो अब तैयारी करते हैं। तो भाई ये सोनिया के यहाँ पे लेडीज संगीत हुआ था भाई शादी से 1 दिन पहले, तो उसकी वीडियो है, ज्यादा नहीं है क्लिप, इसे छोटी सी है भाई,
भाई अब ये बारात के लिए तैयार होते हुए हम तो मैं हो रहा हूँ तैयार। ये कोई रस्म होती है, ये बहन करती है, बुआ करती है, और देखो पानी नहीं पीने देते, कहते हैं पानी नहीं पीने देना पता। तो ये भाई प्रसाद वसाद बट रहा है, आप लोग इंजॉय करते रहो। ये अब मेरे को यहाँ लॉजिक नहीं समझ में आया कि सोनिया का वो फोटो क्यों आई और उस पर वो कैमरा सा क्यों आया नहीं। तो इसका मतलब तो ये था कि भाई सर नज़र रख रही है वो वहाँ से भी। तो राजीव वेट सोनिया भाई, गाड़ी सजवा के लाया था भाई मेरा, मस्त लग रही है। नीचे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है भाई, मुझे तो बहुत मस्त लगी थी। तो चलो चलते हैं भाई, अब बारात निकल चुकी है, बारात जा रही है सोनिया को लेने। चलो भाई पहले तो हम जाएंगे गांव, हमारे गांव में पहाड़ है, देखो पीछे की तरफ देख रहे हो तो गांव में जाके भाई जैसे कि अपना जो देसी मंदिर नहीं होता जहाँ पे धोक मारते हैं, अगर आप हरियाणा से हो तो आपको पता होगा, तो वहाँ पे धोक मार के आएंगे देसी मंदिर जो अपने गांव का मंदिर होता है। सबसे पहले तो यहाँ रुक गए भाई, पहुँच गया हम उस डेस्टिनेशन पे, तो ये यहाँ पे पूजा करी, पहले दो मंदिर थे दोनों में पूजा करी, अब चलते हैं हम। तो ये भाई हमारा गांव का घर है जहाँ पे मैंने पूरा बचपन खूब मस्ती करी है, इस छत के ऊपर ही खूब कूदते थे, इधर से उधर भागते रहते थे भाई, खूब इंजॉय किया है। और दादाजी का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे हमारे, ये हमारी हमेशा दुआ है। तो ये भाई हम पहुंच गए हिसार, तो बारात का भाई ये स्वागत किया गया हिसार में घुसते ही, जहाँ पे प्रोग्राम में उससे पहले एक दूसरी जगह थी जहाँ पे बारात का कुछ खाना पीना स्वागत किया गया। तो भाई अब बारात आगे निकल चुकी है, घोड़ी पे फिर से बैठ चुका है राजीव सांगवान भाई, और ये डांस चल रहा है, मेरे चाचा जी हैं भाई, और अपने देख लो भाई खूब, ओहो ओहो ये डांस जो शादियों में डांस देखने में अलग ही मजा है, ये देख लो भाई, ओ तेरी शर्ट तार दी भाई इसने। तो बताना भाई आप लोगों में से किस किसी शादी में इतना खतरनाक ऐसे वाला डांस हुआ है, नागिन डांस है, नागिन डांस होने लग रहा ये देखने में, अब ये वीडियो देखो ना तो काफी मजा खुशी होती है भाई देख के। तो ये भाई अब हम पहुंच गए एंट्री पे, ये पटाखे पटोखे चला दिए हमने, एंट्री पहुंच गई धड़ाधड़ धड़ाधड़। मेरा ये भाई एंट्री पे खड़े हैं, ढुकाव रिबन कटिंग सेरेमनी से बोलते हैं उसके लिए, तो ये भाई रिबन काटा जा रहा है, अभी रिबन कटा 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 कट गया भाई, रिबन काट दिया ठीक है। फोटोग्राफर है ना हर जगह, भैया इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ओह जबरदस्ती लड्डू। और यहाँ पे फिर से सोनिया की फोटो, सोनिया को मतलब बार बार याद दिलाया जा रहा है कि भाई उसको ध्यान में रख, फोटोग्राफर ने पूरा पता नहीं मन लगा सोनिया ने रिश्वत दी होगी उस टाइम अलग से कि मेरी फोटो जगह जगह डालता रही हो। ये देख लो भाई, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, किसी को ना पता हो तो। और यहाँ पे ओ तेरी, यहाँ पे पता है जब ये नीम के पत्ते मारते हैं ऐसे एंट्री करते वक्त, तो और मेरे इतने तेज नीम का पत्ता मारा वो सीधा मेरी आँख के अंदर जाके लगा, तो मेरी भाई आँख में से पानी पानी बहने लग गया था। तो देख लो भाई फिर भी फोटोग्राफर ने कहा इस तरफ देखो, मैंने कहा इस तरफ देख के देखो यार आँख में पानी बह रहा है, तू इस तरफ देखने कह रहा है। तो मेरे चाचा जी देखते हुए किसने मारा भाई, सीआईडी लगाओ। तो भाई ये अब काजल लगाते हुए पहले तो नीम का पत्ता मार के वो फोड़ दिया आँख, और अब नेगोशिएशन चल रही है, अब ये मांग रहे हैं हमें NRI हो 1,00,000 रुपए दो। ओ अंदर पहुंच गए अब हम, अब ये डांस डूंस चल रहा है भाई, सारे बैठे हुए अपने, लेकिन इट वॉज फन यार, मजा आया था जब वो एंट्री के टाइम पे उन्होंने कसू खूब नेगोशिएशन करी। ये अब एंट्री हो रही है भाई सोनिया की, तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप देखो। ओहो अब देखा इधर उधर सब कुछ देख लिया है, अब आके नीचे सारा कुछ नोटिस कर गई इधर उधर, और उसके बाद चलो अब आके नीचे कर लेती हूँ पर मजाक था भाई ये वीडियो देख के, अब अपने आप में वो कमेंट निकल के जो रोस्ट, और मैंने भी देखा भाई हाँ आ तो गई भाई अब लड़की, आ जा ऊपर, आ जा चल यहाँ बैठ जाए, सीट लगा रखी है तेरे लिए। अब मैं पीछे मुड़ के हंस रहा हूँ क्या हो, फाइनली मिल गई मुझे भी एक लड़की शादी करने के लिए, स्माइल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि प्यार से एक दूसरे को माला पहनाएंगे, तो मैंने भैया आराम से प्यार से पहन ली ठीक है, उसके बाद मेरी बारी आई सोनिया को, और सोनिया यहाँ तो बदल गई, सोनिया से भाग रही पीछे, तो फिर मैंने भाई चपट के पहनाई दी। ये सारे हम भाई लोग, जस्सू कह रहा है भाई जल्दी से ले लो फोटो फाटो, ये मतलब वही है ना कि शादी में ये उस टाइम पे, अब मेरा भाई दादा करता हुआ चलो दादी हो गई, ये भाई मेरे फादर, ये सोनिया के मेरे पापा, सोनिया भाई, और ये भाई अभिषेक, ये हमारा भाई, ये भी उसके पढ़ने के लिए आ रहा है जो अब मेरे साइड में बैठा है, राइट साइड में देखो कितना छोटा था ये बड़ा हो गया, ये देख लो भाई सब, ये कुछ होता है जो पैसे वैसे देते हैं वो चल रहा था, और ये मेरी मौसी डांस करती हुई,
तो ये भाई अब फेरे का टाइम आ गया, फेरे की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे जो भी रस्में हो रही हैं भाई, मुझे इतना नहीं पता। मुझे तो जो पंडित कह रहा था ना कि भाई ये करते हैं, ये टाले, ये हाथ में ऐसे करते हैं, वो करते हैं, मैं तो वही कर रहा था। तो बाकी आप लोगों को पता ही होगा सब कुछ, या जिसकी शादी होगी उसको पता ही होगा और जिसकी नहीं हुई उसको पता लग जाएगा भाई जब शादी होगी, जब पंडित अपने आप बता देगा, वो गाइड कर देगा। यहाँ पे तो बस वही चल रहा है अब, ये फेरे का टाइम। फेरे पे लड़की पहले लेती है, शायद आधे आधे फेरे होते हैं ना, पहले लड़की लेती है पहले गेम, फिर लड़का लेता है। ये पीछे सोनिया का भाई जो खिल्ली देते हैं, हरियाणा में ये रिवाज है भाई। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है जो हरियाणा से बाहर का है उसको पता लग जाएगा हरियाणा की शादी में किस तरह का होता है। बाकी हरियाणा के अंदर भी इवन मुझे नहीं पता अलग अलग क्या पता डिफरेंट वेज हों शादी करने के भी, मतलब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिवाज अलग अलग हो सकता है। जब बोली बदलती है हर चार कोस पे कहते हैं, तो रिवाज भी मुझे लगता है थोड़े बहुत तो बदलते ही रहते हैं हर तो एक जगह से दूसरी जगह। नीचे कमेंट करके बताना भाई, आप लोग नीचे कमेंट करते रहो कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि भाई रिवाज वगैरह अलग हैं जो हमारी ये शादी हुई है इससे हटके है आपके वहाँ। अब ये खाने का टाइम आ गया तो मैं कपड़े चेंज कराया। तो हमारे यहाँ फेरे होने के बाद हमने खाना खाया था, समय खिला दिया भाई। मैंने कहा सोनिया मेरे को भी खिला दो, सोनिया ने खिला दिया। फोटोग्राफर बोला रुको रुको, मैंने कहा भाई अब फोटो खान तो दे, मैंने कहा चटनी लगाओ। अब भाई ये विदाई का टाइम शुरू हो गया। ये थप्पा लगता है, आप लोगों को पता है क्या कि बुजुर्ग जो घर में सबसे बड़ा होता है उसकी कमर पे थप्पा लगता है। मुझे ही नहीं पता कि भाई क्यों लगता है, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे बता देना भाई कि रीज़न क्या होता है ये थप्पा लगाने का। थप्पा लगाते हैं मतलब लड़के वाले को जो बुजुर्ग होता है उनको, और उसको पैसे देते हैं कुछ, ठीक है। ये भाई अब घर पर पहुँच गए हम सोनिया के घर पर, तो वहाँ पर थोड़ा विदाई से पहले जो भी टिका टाका जो भी मतलब जो भी रिवाज होता है वो सब कुछ हो रहा है भाई। आप लोग समझ रहे होंगे मैं एक चीज कैसे बताऊँ, मेरे को खुद ही नहीं पता। मेरे को तो जो गाइडेंस दी जा रही थी ना, जो बताया जा रहा था भाई वो फॉलो कर रहा था। ये देख लो भाई यहाँ पे भाभी अबू मियाँ हैं सारी, ये खूब मजे लेने लग रही है, मतलब पीछे गीत गा रही हैं सारी और गीतों में खूब डायलॉग मारने में लगे। हमारा तो जस्सू ही था जो समझता है सब कुछ, क्योंकि गाँव में रहा हुआ है जस्सू पूरा, वो ही जवाब दे रहा था इनको। तो देख लो भाई अभी चल रहा है, तो अभी दूध दे दिया एक गिलास भर के। मैंने कहा भाई दूध तो पी लेंगे, सारे भाइयों को मिल गया, हम सारे भाई वहीं बैठे थे उनके आंगन में ही बैठे हैं आराम से। और ये देख लो ये हंसने में लगी हुई है सारी औरतें, अब गीत गा रही हैं क्योंकि गीत बहुत गाते हैं ऐसे, और गीतों में हमारी ले रही है। अब चल भाई आ जा सोनिया, चल चलते हैं। मैंने सोनिया को बोला, मैंने कहा अब तो मैंने बांध लिया, अब तो मैं लेके जाऊंगा, अब ना छोड़ दूं। ये जो टाइम होता है लड़की के लिए काफी मतलब वही कहते हैं ना, ये वाला जो मोमेंट होता है काफी डिफिकल्ट होता है। इस टाइम पे लड़की बहुत इमोशनल रहती है भाई, आपके पूरा माहौल होता है वो वैसा ही रहता है, थोड़ा सा उदास सा, क्योंकि एक लड़की जो अपने घर में इतने साल रही बड़ी हुई, उस घर को छोड़ना इट्स नॉट डिफिकल्ट यार, बहुत मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यार मेरे को अभी मैं सोचता हूँ मेरी बेटी के लिए कि कल को वो ऐसे अगर जाएगी तो मेरा तो अभी दिल रोने को आता है। मतलब काफ़ी टफ मोमेंट होता है जो किसी की लाइफ में, हर लड़की की लाइफ में और पेरेंट्स की लाइफ में। तो आई सैल्यूट ऑल द गर्ल्स, मैं एक सैल्यूट तो बनता है हर गर्ल्स के लिए। चलो भाई अब सोनिया को लेके चलते हैं हम अपने घर, मुझे पता है ये थोड़ा सा अपसेट मोमेंट है, लेकिन कोई नहीं रिवाज है भैया क्या करें। चलो अब चला जाए, अब हम चल के सीधा घर पहुंचेंगे। तो अब गृह प्रवेश भाई, अब हम पहुंच गए हैं वापस अपने घर दादरी, ठीक है, चरखी दादरी में हमने रिहायश बना रखी है। तो अब ये एंट्री, मेरी मम्मी
भाई मेरी माँ मुझे टीका वगैरह करती थी और उसके बाद ये ऐसे नापते हैं। पहले मैं गया जब बारात गई थी तब मेरे को सिंगल को नापा था, अब मियाँ बीबी आ गए दोनों को साथ नापते हैं ऐसे। ये भी एक रिवाज है। अब सोनिया गृह प्रवेश करती हुई, भाई देखो ये तो बढ़िया कमेंट्री देने लग रहा हूँ, जैसे क्रिकेट मैच चला ना वैसी कमेंट्री। अभी हाथ का छाप थापा भाई हमारे यहाँ ऐसे लगाता है, बताना आप लोगों में से किस किस के यहाँ ये चीज होती है। मैं फिर दूध दे दिया, मैं बताऊँ 3-4 बार दूध दे दिया, मन ना करे इतनी बार दूध क्यों दिया। फिर बोले कि आधा सोनिया को देना है, मैं गले सोनिया, सोनिया बोली ना और ले लो एक गोटी पीऊंगी मैं तो। ये मेरी दादी जी भाई, ये मेरी मदर। तो ये भाई अब गेम्स टाइम, अगले दिन भाई फोटोग्राफर आया, बोला वही ड्रेस पहन लो जो वहां पे शादी में पहनी थी। मैंने कहा यार किसी अलग ड्रेस में करना अच्छी जगह करना ही नहीं, उसी में होती है। मैंने कहा चलो भाई फोटोग्राफर कह रहा है उसको पता होगा उसी में पहन करते हैं भाई। तो उसी ड्रेस में बिठा दिया हमें सुबह सुबह खेलने के लिए। अब ये होती है गांठ लगाते हैं हाथ पे, गांठ जितनी लगती है ना वो गांठ खोलनी होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई मैंने इसको वॉइस ओवर क्यों दिया इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने फोटोग्राफर को कहा था कि भाई ये वॉइस रखियो, उसने क्या है यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो में वो अपने म्यूजिक डाला हुआ है बॉलीवुड के गाने, वो पता ही है कौन से पुराने, और भाई उन गानों में क्या है अगर मैं डाल दूंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा भाई चलो आपको मैं बताता हूँ। तो ये भाई गेम हो रहा है, तो ये पहला राउंड देखना सोनिया, सुपर कंपटीशन है जिसे कहते हैं, मतलब तकड़े वाला कंपटीशन है। पहला राउंड था और पहले ही था और मेरे हाथ में सिक्का था, सोनिया छीनने में लगी है, मैंने पकड़ा दिया भाई ये लो जीत गया मैं पहला राउंड। तो अब सोनिया को लगा ओहो ये तो कॉम्पिटिटिव स्टेज आएगी, मतलब तकड़े वाला कॉम्पिटिशन था। आप खुद देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये देखो सोनिया ने पूरा मुठ्ठा भर के एक सिंगल रिंग उठानी होती है और सोनिया ने पूरा उठा लिया। तो मुझे लगता है कि ये चीटिंग थी जो मैंने सोनिया को सब बोला, और लेकिन कहां लड़कियां कहां भाई मानने वाली। अब ये देखो सोनिया ने फिर से, अब आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताओ भाई कि ये चीटिंग थी कि नहीं थी या फेयर था। लड़कियां तो मुझे लगता है कि सोनिया की सपोर्ट करेंगी, लेकिन लड़के मेक श्योर बताना भाई फेयर कि भाई सच में ये चीटिंग थी कि नहीं। तो ठीक है जाओ, ये देखो कैसे छीनने ये वीडियो अब देखो ना तो भाई बहुत फनी लगती है और मतलब बहुत मजा आता है। फिर सोनिया ने भाई, सोनिया के हाथ में कुछ था मुट्ठी में रिंग थी, मुट्ठी खोलनी थी भाई, सोनिया ने पूरी जान लगा दी, मेरे तो पसीने आ गए। मैंने कहा सोनिया यार मान जा यार क्यों बेइज्जती करा रहा है, सारे के सारे देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो घासी होते हैं जिसके अंदर खेल रहे हैं वो ऐसे, ये रिवाज है भाई, जिन रिवाज के बारे में मुझे मैं क्या बताऊं कि क्यों करते हैं। ये मेरा भाई संजीव जो अभी यूके में, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में, आराम से क्यूट लड़का बना देख रहा है सारे गेम्स। अब इसके भी पार्टिसिपेशन की बारी आएगी। अभी डंडी वाला गेम होता है भाई, पहले हस्बैंड वाइफ खेलते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई खेल लेंगे जैसे भाभी देवर खेलते हैं। और बैठ जाओ।
दिखाऊं मिला की है स्माइल करते रहो जी।